students, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, अब हम environment chapter पढ़ रहे थे, लगभग complete होने वाला है. आज की class में हम इसको complete कर देंगे. ठीक है, एक बार हम short revision ले लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है. Everything that is in our surrounding is our environment. यानी कि जिन चीज़ों से हम घिरे हुए हैं वो क्या होता है, हमारा environment होता है. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था components क्या है environment के, यानी कितने भागों में बांटा है, उनके सब components क्या हैं, हमने ये पढ़े थे. components क्या है environment के, natural environment जो nature ने हमें दिया है. ठीक है, man made environment जो मनुष्य ने खुद से बनाया है. human environment यानी कि जो मनुष्य जिसमें मनुष्य खुद इन्वॉल्व है वो एनवायरनमेंट. ठीक है, उसके बाद नेचुरल एनवायरनमेंट को हमने आगे फर्दर फोर पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें लिथोस्फीयर क्या था, पृथ्वी का वो हिस्सा जो कि क्या है, लैंड से कवर है, उसको बोलते हैं हम लिथोस्फीयर. यानी कि हर सरफेस से कवर है उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर जो एरिया वाटर से कवर है वो होता है हमारा हाइड्रोस्फीयर. ठीक है, एटमोस्फीयर क्या है, जो पृथ्वी के चारों तरफ एक थिन लेयर है एयर की, वो होती है हमारा एटमोस्फीयर. बायोस्फीयर क्या होता है, जो हमारे एनिमल्स और प्लांट्स मिलकर क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम बायोस्फीयर. मैंने लास्ट क्लास में इसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया था, आप अगर चाहें तो वहां पर जाकर दोबारा से इसको देख सकते हैं. अब हमने इसका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो डिटेल में पढ़ लिया, अब थोड़ा सा मैन मेड इन्वायरमेंट और जो हमारा थर्ड इन्वायरमेंट है उसको भी हम पढ़ लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले है इकोसिस्टम, हम बाद में पढ़ेंगे. ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, ठीक है, इन दोनों को एक साथ दिया है इन्होंने. पहले है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट यानी कि मैन मेड इन्वायरमेंट. ये कहता है, मैंने पहले भी बताया था कि जो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है वो मनुष्य ने अपने लिए खुद से क्रिएट किया है, ताकि उसको जीवन जीने में क्या है, आसानी हो सके, वो अपनी चीज़ों चीज़ों को ईजी बना सके, हर काम को अपने ईजी कर सके, इसलिए क्या है उसने ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया. ठीक है, अभी हम इसकी रीडिंग ले लेते हैं. मैन मेड इन्वायरमेंट रिलेट टू एलिमेंट मेड बाय ह्यूमन बींग्स, यानी कि ये वो इन्वायरमेंट है जो रिलेट करता है उन एक्टिविटीज़ से जो कि मनुष्य ने खुद की है, फॉर देयर एक्टिविटीज़ एंड सर्वाइवल, क्या है अपने जीवन जीने के लिए. दे मॉडिफाई द नेचुरल इन्वायरमेंट टू सूट देयर नीड बाय मैन मेड थिंग. हाँ जी, उन्होंने क्या किया, जो नेचर ने हमें चीज़ें प्रोवाइड करवाई थी उनमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, ताकि उनको आसानी हो सके. ठीक है, ताकि उनकी जो नीड्स हैं वो कंप्लीट हो सके. ठीक है, दिस इंक्लूड्स रोड्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, फार्म, माइंस एक्सेट्रा. इसमें इन्होंने इंक्लूड किया है वो भी जो चीज़ें जो आप आसपास अपने देखते हैं, जो हमें नेचर ने प्रोवाइड नहीं की. ठीक है, जो मनुष्य ने खुद से बनाई हैं, इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि हमारे रोड हो गए हैं, बिल्डिंग्स हो गई हैं, ब्रिजेस हो गए हैं, व्हीकल्स यानी कि जो हमारे आने जाने के लिए व्हीकल्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, ये सब हमें नेचर ने नहीं प्रोवाइड किए हैं, ये हमने खुद बनाए हैं, ताकि ये क्या है हमारे लिए आसान, हमारी चीज़ों को आसान कर दे, हमारे जीवन जीने में कोई दिक्कत ना आए. ठीक है, उसके बाद हमारा था थर्ड ह्यूमन इन्वायरमेंट. ह्यूमन इन्वायरमेंट और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट दोनों अलग अलग हैं. ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट होता है कि जो ह्यूमन ने बनाया है, ह्यूमन इन्वायरमेंट होता है जो ह्यूमन से बना है. ह्यूमन इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन बींग देमसेल्फ एज एन इंडिविजुअल, ए फैमिली, कम्युनिटी, द होल सोसाइटी दैट इंटरेक्ट इन फॉर्म ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस ग्रुप एंड इफेक्ट ईच अदर. ये कहता है कि जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है उसमें क्या है, खुद मनुष्य, पूरी उसकी फैमिली, एक कम्युनिटी यानी कि सब समुदाय और पूरी सोसाइटी उसमें क्या है इन्वॉल्व होती है. ठीक है, वो चाहे किसी भी फॉर्म में इन्वॉल्व हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, धर्मों के कारण हो, जो एक दूसरे को क्या है इफेक्ट करते हैं, वो क्या होता है ह्यूमन इन्वायरमेंट. ठीक है, ह्यूमन इन्वायरमेंट जैसे कि अगर आप इसको अगर साइड में भी करते हैं तो देखो, अगर आपके आसपास सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, तो आप भी खुश रहेंगे. ठीक है, अगर लड़ाई झगड़ा है तो वो चीज़ें आपको इफेक्ट करती हैं, तो इस कारण क्या है ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है हमें इफेक्ट डालता है. और इन्वायरमेंट होता ही क्या है, जो चीज़ें हमें इफेक्ट करें, जिससे हम लोग घिरे हुए हैं. ठीक है, अभी हमने इसका एक टॉपिक छोड़ा था, अभी हम इसको करेंगे. देखिए क्या है इकोसिस्टम, पहले हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे कि इकोसिस्टम होता क्या है. ठीक है, इकोसिस्टम देखिए क्या होता है कि देखो, आप लोग अगर किसी जंगल में जाएं, वहाँ पर क्या सिस्टम होता है, घने जंगल में जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, जंगली जानवर हैं, वहाँ पर क्या सिस्टम होता है कि वहाँ पर सूर्य के प्रकाश से यानी कि सूर्य की किरणों से क्या है भोजन, मतलब कौन बनाता है, पेड़ पौधे. उन पेड़ पौधों को कौन खाता है, वहाँ के जो जंगली जानवर हैं, लाइक जंगली जंतु हैं, जैसे कि हिरन हो गया. ठीक है, फिर उन हिरन का को कौन खाता है, शेर हो गया. ठीक है, शेर. इस तरीके से क्या है, एक साइकिल बना हुआ है.
ठीक है, ये तो था वहाँ का। अब हम लोग जाते हैं राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में क्या है, वहाँ की अगर आप नेचुरल वेजिटेशन देखो, कैसा है वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन, क्या है वहाँ पर, झाड़ियाँ हैं कांटेदार, कैक्टस उगते हैं, और वहाँ पे जीव जंतु को देखें तो वहाँ पर कैसे हैं, डेजर्ट में आपने सुना है ऊँट के बारे में, कैमल के बारे में, वो वहाँ पर पाए जाते हैं। क्या आपने कभी किसी कैमल को माउंटेन्स पे देखा है जहाँ बर्फ़ पड़ती है? माउंटेन्स में कैसी वेजिटेशन होती है, ए शेप में होती है, है ना, जैसे क्रिसमस ट्री होता है आप लोगों का, आपने देखा होगा टीवी में भी देखा होगा, ठीक है। तो क्रिसमस ट्री के शेप जैसे वहाँ पर पेड़ होते हैं, ठीक है। और वहाँ के जीव जंतु कैसे होते हैं, याक होता है, गोट होते हैं, ठीक है। क्या आपने किसी याक को राजस्थान में देखा है? नहीं। तो आपने देखा कि अलग अलग एरिया में अगर हम देखें तो वहाँ पर अलग अलग वेजिटेशन है, अलग अलग क्या है, जीव जंतु है, वो वहाँ के सराउंडिंग के अकॉर्डिंग है, यानी कि जो उनके आसपास चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, चाहे कोई भी प्लांट हो, एनिमल हो, यहाँ तक कि ह्यूमन बींग्स हो, ठीक है, वो अपने इमीडिएट सराउंडिंग से क्या है, इफ़ेक्ट होते हैं। इमीडिएट सराउंडिंग यानी कि हमारे जो आसपास का जो सराउंडिंग है, चाहे उसमें पेड़ पौध, मतलब हमारी हवा हो गई हो, बारिश हो गई हो, ठीक है, ये सब इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो हमें जो इमीडिएट सराउंडिंग क्या है, बहुत असर डालता है। इसी कारण क्या है, हमारे अलग अलग क्षेत्र में क्या है, अलग अलग प्रकार की क्या है, वनस्पति होती है, अलग अलग प्रकार के क्या है, जीव जंतु होते हैं, ठीक है। इसके बाद भी आपने देखा कि वहाँ पर क्या है, एक दूसरे में भी इंटरडिपेंडेंस है। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया था किसका, एक एक एरिया जहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर क्या है, जो सूर्य की किरणों से क्या है, पेड़ भोजन बनाते हैं, उस घास को या पेड़ पौधों को जीव जंतु यानी कि बकरी खाती है, और बकरी को कौन खाता है, मतलब शेर। तो इस तरीके से उनके बीच में एक साइकिल बना हुआ है, ठीक है, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कि अब हमने देखा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो जीव जंतु हैं या फिर मनुष्य है, उनका जो रिलेशन है हम नॉन लिविंग चीज़ों से, यानी कि उसके आसपास के सराउंडिंग से जो चीज़ हम सराउंडिंग से जो रिलेशन पढ़ते हैं, वो क्या होता है, हमारा इकोसिस्टम, क्या होता है, इकोसिस्टम। समझ आया आपको? हाँ जी, मैं कहना क्या चाहती हूँ कि जो ऑल, इसी में रीडिंग लेकर देखते हैं, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सब किससे इफेक्ट होते हैं, उनके इमीडिएट सराउंडिंग से। आपने देखा कि माउंटेन्स में किस तरीके से जीवन है, ठीक है, वहाँ पे कैसे प्राकृतिक वनस्पति है और कैसे वहाँ के जानवर हैं। उसके बाद आपने डेजर्ट का देखा, वहाँ पर कैसे हैं, और एक ऐसा एरिया जहाँ पर घने जंगल है वहाँ का देखा, ठीक है। यानी कि वो सब किस पर डिपेंड कर रहे हैं, अपने इमीडिएट सराउंडिंग पर। ओफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर, यानी कि एक पर्टिकुलर मतलब रीज़न के, यानी कि एक एरिया की जो चीज़ें हैं, सराउंडिंग है, वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड करता है। यानी कि आपने देखा कि जो शेर है वो किस पर डिपेंड है, हिरण पर, डियर पर, हिरण किस पर डिपेंड है, घास पर, घास किस पर डिपेंड है, हमारे सूर्य की किरणों पर। इस कारण क्या है, वो एक दूसरे पर डिपेंड भी है। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फ्रॉम एन इकोसिस्टम फॉर्म एन इकोसिस्टम। हाँ जी, फिर आपने तो आप देख सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि पेड़ पौधे जीव जंतु के रिलेशन है उनके सराउंडिंग से, वो क्या होता है, हमारा इकोसिस्टम, क्या होता है, हमारा इकोसिस्टम। हाँ जी, आपको आई थिंक ये चैप्टर, आई होप कि समझ आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। आप जब भी नेक्स्ट क्लास में आएँ तो आप पेन पेपर लेकर बैठ जाएं, ताकि आप उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को क्या है, नोट कर सकें, ठीक है। तो चलिए, हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।